प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 9.2। चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। देखना, बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरणों में सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, युग्म दे रखे हैं, युग्म यानी कि दो दो पद दे रखे हैं, 4 और 7 किए, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 को 7 से गुणा किया 28 भी। ऐसे यहाँ देखो, -4p और 7p, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 चौक 28p² -4p 7pq, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 चौक 28, पी को पी से गुणा किया तो पी स्क्वायर और क्यू, 4 3 12 पी क्यू और 1 p 4 हो गया। इस प्रकार याद रखो। सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना, आपको ये युग्म ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई, इन सब में आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ देखना, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई पी चौड़ाई क्यू, दोनों गुणा करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 को 5 से गुणा किया 50, एम को एन से, यहाँ समझ लो एम को एन से एम एन। इसी प्रकार से गुणा करेंगे, 20 को 5 से गुणा किया 100 आ गया, x² और y² 4 को 3 से करेंगे 12, x³ और 1 3 हो जाएगी, 3 को 4 से करेंगे तो 4 दिया 12, यहाँ पर आएगा 12 और m का m, n 2 बार आ गया 3² और p। इसी प्रकार सवाल नंबर 4, घनाभाकार बक्से का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निम्नलिखित है। यानी ये प्रत्येक सवाल में 3-3 माप दे रखी है, ये 3-3 माप सभी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब घना का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के सूत्र है। तो लंबाई का मान 5 है, चौड़ाई का 3a² और ऊंचाई का 7a² 5 × 10 = 15 से गुणा करेंगे 105, 1 और 2 3 3 और 4 7। यहाँ पे देखो, इन तीनों गुणा करेंगे, 4 × 16 16 × 8 से गुणा करेंगे 128, पी क्यू आर। यहाँ पे ऐसे इन तीनों गुणा कर देंगे, देखो पहले इनको गुणा करेंगे 4, फिर x के साथ में 2 घात और 1 3 और 1 4, y के देखो 1 और 1 और 2 4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे तीनों गुणा कर लेंगे, 1 × 2b 3c, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। इस प्रकार ये 9.2 के पहला, दूसरा, चौथा, तीसरे सवाल में सारणी है, वो सारणी बढ़नी है, यानी कि ऊपर वाले को साइड वाले से गुणा करके सारणी बढ़नी है। मैंने आपको पहला, दूसरा, चौथा सवाल करा दिया, शेष अपन कल करेंगे, ठीक बच्चों।